यही पुकारे पुकारे आ बलवा नदिया के किनारे।
अरे बहू सदा सुहागन रहो, कितनी प्यारी लग रही मेरी बहू, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, आप हमेशा सलामत रहें, आपका साया हमेशा हमारे सर पे रहे। बेटी माँ जी आज मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ है बेटी। मैं नर्वस क्यों हो रही हूँ? क्या कहा बेटी? जी जी कुछ नहीं, बस यूं ही। मिसेस पिंटो। यस सर। मधु क्या कर रही है? कोई नया नाटक, बेचारा विशाल से सेवा करा रही होगी। वेरी गुड, क्या बुराई हो रही है मेरी? अजी हम कौन होते हैं आपकी बुराइयां करने वाले। मिसेस पिंटो आज रात का खाना हम बाहर खाएंगे। यस सर। क्या बात है अंकल, आज आपका मूड कुछ? जी आप बताइए कि आपको क्या चाहिए? मदद। कोई मदद वदद नहीं भाई, हद होती हर बात की, हर वक्त हमसे झूठ बोला जा रहा। झूठ नहीं, मेरी खातिर एक सच बोल दीजिए ना। कौन सा सच? विशाल को सच बता दीजिए। क्या? यही कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो आपने सच बताने का फैसला कर लिया? जी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है तो बता दीजिए। नहीं आप बता दीजिए ना। जी नहीं, ये खेल आपने शुरू किया था, आप ही इसको खत्म करेंगे। ठीक है। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है, ये चेहरे पे उदासी क्यों? शाम को क्या प्रोग्राम है आपका? अरे आपका बदन तो आग की तरह तप रहा है, आपको तो बुखार है। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मर्जी क्या है। मैं बहाने नहीं बना रही, आपको वाकई बुखार है। अंकल अंकल। हाँ बेटी क्या हुआ? अंकल देखो विशाल को कितना तेज बुखार है। ओ मधु तुम है बुखार भाई। अरे अंकल मामूली सा फीवर तो है। चलो ना। बट 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 अंकल इट्स वेरी माइनर। बैठो ना। ओह मधु मधु तुम बस कमाल करती हो। लेटो। अंकल मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आई बट अंकल आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वाइट सांस लो। ओके दर्द होता है? हाँ हल्का सा। कब से? यही कुछ दिनों से। नर्स इमीडिएट एक्सरे एंड ब्लड टेस्ट। यस सर। जी अंकल भी बस।